पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष चंद्राकर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, इस रायपुर लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय संदीप शर्मा जी, हमारे बीच हमारे सम्मानीय विधायक खुशवंत साहेब जी, अमित चिमनानी जी, आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। और लगातार प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद द्वितीय चरण में तीन लोकसभा चुनाव के पूरी तरीके से पूर्व में ऐसे चार लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के तृतीय चरण में 7 लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने हैं। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में और हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं का, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृहमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, अन्य सभी अन्य प्रांतों से भी वरिष्ठ नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जनसभाओं में आना हुआ और एक भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे बूथ कमेटी तक के सभी सदस्यों का और बड़े मन से बड़े क्षमता के साथ इस चुनाव में सम्मिलित हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आगामी आज के इस पत्रकार वार्ता में सभी विषयों को आप सभी को संबोधित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आप सभी को आज की इस पत्रकार वार्ता में संबोधित करेंगे। आज के इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहेब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है, अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक
कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज दो सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी। और चलिए बढ़ते आगे 100 बड़ी खबरों पर, फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं।